20 टू 30 टीम सारी की थी, तो उसमें से जो है हमारी टीम जो है फिफ्थ नंबर पर आई है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप सोच रहे होंगे कि न्यू व्लॉग है तो मैं उसमें कैसे आ रहा हूँ, तो ये जो है बहुत दिनों बाद का व्लॉग है, क्योंकि मैं जो है तब व्लॉग नहीं करा और भाभी का भी व्लॉग जो है नहीं करा। तो अभी बस मैं जो है अपना टूर्नामेंट खेल कर आ चुका हूँ। तो हमारी जो है मेरे को एक ये तो टी शर्ट मिली है, जो कि उसका एक पूरा टूर्नामेंट था। ये देखो 100 ईयर्स ऑफ बाबू, तो केडी सिंह बाबू की ये एक टी शर्ट है, तो वही उसी का एक टूर्नामेंट था और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला। हम इतने बढ़िया प्लेयर तो नहीं थे कि हम जो है टूर्नामेंट ही जीत जाए पूरा, तो उसमें मतलब 20 to 30 टीम सारी की थी, तो उसमें से जो है हमारी टीम जो है फिफ्थ नंबर पर आई है। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात ही है, क्योंकि मेरा पहला ही टूर्नामेंट था। तो कोई बात नहीं, चलो अब मुझे जो है इससे बहुत सीखने के लिए भी मिला है, क्योंकि पहला टूर्नामेंट था, इतना कुछ पता तो था नहीं हमको। कोई बात नहीं, अब अगली बारी और मेहनत। और ये जो है हमारा जो टूर्नामेंट था वो लखनऊ में हुआ, तो वैसे तो जो है हमारा 4-5 दिन कैंप जो है वहीं लगा था यमुनानगर में। तो हम वहाँ पर थोड़ा सा अपना वहीं गुरुद्वारे में रहते थे, वहाँ पर ही हमको जो है लंगर वगैरह मिलता था। तो वहाँ पर जाकर गुरुद्वारे में मैंने एक बात सीखी है कि रोटी के उधर प्रसादा कहते हैं। वहाँ पर मतलब जब भी रोटी लेते हैं तो दो हाथ करके ऐसे लेते हैं और साथ में जो है कहते हैं प्रसादा ले लो। बड़े अच्छा लगता है मेरे को तो। और वो बिल्कुल एकदम बढ़िया से एकदम हमारी करते सेवा करते। वहीं पर ही हमको एक रूम भी मिल रखा था, तो वहाँ से तो फिर हम लखनऊ चले गए थे। फिर उसके बाद जो है हमारे 2 मैचेस हुए। अभी बस वैसे तो जो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अभी हम जाए बस वैसे त्रिवेणी पार्क। तो मैंने अपने अभी चप्पल में ही जा रहा हूँ, आज जो मैं सुबह ही आ गया था, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट वगैरह किया क्योंकि बहुत थक रखा था ना मैं, ट्रेन से सफ़र करके आए थे, नींद भी मेरे को इतनी आई नहीं जरा, मतलब रात को मैं कम से कम 2-3 घंटे सो जाऊँगा। तो भाभी का तो बस अभी आपको पता ही है वो कहाँ पे रहती है, साइकिलों में ही। कितनी बार साइकिल चलाई जब मैं नहीं था। अच्छा, ये तो पूरी मस्ती घर पे रहते हैं। रुद्र के साथ इसका हमेशा मन लगता है, चाहे मेरे साथ लगे रुद्राक्ष कह रहा हूँ, रुद्र इसका मन जो है हमेशा बहला के रखता है। इस त्रिवेणी पार्क तो पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर बढ़िया देखो डिजाइन कर रखा है, पीछे जो है ग्रिल भी लगा दिए ताकि कोई ऐसे बाइक लेके ना घुस सके, सिर्फ ये पैदल पैदल ही है। और कंस्ट्रक्शन भी पूरा कम्प्लीट है, कुछ फ्रेंड्स भी हैं इधर। तो यहाँ पर बड़े एकदम पेड़ पौधे भी हैं, ऊपर से लाइट भी है, यहाँ से ऊपर है, हम रात को भी इधर चल सकते हैं। और नीचे भी बढ़िया एकदम बना दिए, नहीं तो पहले बहुत मिट्टी होया करती थी। आपने तो वैसे भी बहुत पहले मेरा जो सेकंड ब्लॉक था ना, सेकंड पता नहीं याद नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कोई भी ब्लॉक था मेरा, मतलब हमने कुछ इसमें त्रिवेणी पार्क का ही बताया था कि हम अभी त्रिवेणी पार्क में आए हैं। और ये तो बन भी नहीं रखा था इतना, ये तो बस इधर सीमेंट के डब्बे से बनाए हुए थे, अब देखो कितना बढ़िया बना दिया इधर। और हमने पिछली वीडियो में उस टाइम वीडियो में बोला था कि हम कंस्ट्रक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाएंगे। हाँ। और आज पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और सारे लोग भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना रखा है, तो इधर तो जरा पेड़ ही है, इधर उधर जो है बेंच वगैरह भी लग जाएंगे और इधर भी पेड़ लगा रखे हैं। तो यहाँ पर है पूरा एकदम एयर जिम, ओपन एयर जिम, तो इतनी तो भीड़ पहले होती भी नहीं थी, इतनी अब होने लग गई है। चलो अब कोई लोग आने तो लग गए इधर, तो बस अभी लोग फटाफट से, अब शाम का टाइम है अभी तो ज़्यादा भी आएंगे बच्चे भी, तो बढ़िया इधर एकदम वाइब्स आती हैं। पीछे ही खेत है और उस साइड को जो है वो जो पेड़ देख रहे हो ना इतना बड़ा, उधर इतनी सारी चिड़िया है, वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है चिड़िया की, चिप 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 चिप। और ये देखो भव्या कहाँ चढ़ रही है, नीचे उतर जा, गिर जाएगी, नीचे उतर जा, गिरी। तो मीने उत्तराखंड से तो आ चुके हैं अभी, और बस अभी घर को वापस जा रहे हैं। तो हमने जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे अपनी जंपिंग वगैरह, रिलैक्स वगैरह, और थोड़ी सी हमने जो है टाइमर लगा के देख रहे थे कि कितने कितने टाइम में हम जो है पहुँच रहे थे इधर उधर से इधर उधर। मैं तो और अभी मैं ना मन कर रहा है कि मैं ना शुगर कैन का जूस पीना चाह रही हूँ। चलो मम्मी तो अभी दिलाई देगी, मम्मी ने कह दिया कि मुझे जो है, मैंने मम्मी को कह दिया था कि मेरे को जो है पानी अच्छा नहीं लग रहा है, पानी बिल्कुल एकदम पतला पतला सा लग रहा है, मेरे को ख़राब सा लग रहा है। और
मैं तो मम्मी को बोलते चाहते मतलब शेक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मेरे को पानी कम चाहिए। पानी मेरे को इतना बढ़िया नहीं लग रहा, गाढ़ा गाढ़ा सा कोई चीज़ चाहिए। तो बस तो इनका जूस आप सब, हाँ बस अभी वही पियेंगे हम, रास्ते में मिल जाएगा। और अब तो जा रहे हैं घर पे, और वहाँ से जो है मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ मेरे टूर्नामेंट के बारे में। तो ये जो टूर्नामेंट है, ये जो है इसका टूर्नामेंट का नाम था केडी सिंह बाबू टूर्नामेंट। तो वो तो मैं आपको एक बढ़िया से एकदम एक बार ही सर्टिफिकेट दिखा ही दूंगा, शायद आपने देख भी लिया है वो बढ़िया से एकदम, और पॉज करके भी देख ले आप वीडियो, पीछे मैंने दिखाई दिया था आपको। और अभी बस मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया, केडी बाबू है ना, वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। हाँ वो मतलब उन्होंने, उनका एक नाम था केडी सिंह बाबू, फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने भी एक बारी मतलब एक बारी भी नहीं करा, मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टूर्नामेंट, फर्स्ट नेशनल, और फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मेरे लिए केडी बाबू। हाँ वैसे तो उसको केडी बाबू, केडी सिंह, केडी सी ऐसा करके बुलाते हैं। तो मैं तो बढ़िया से एकदम सिलेक्ट हो चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिलेक्ट हो चुका हूँ और खेल के भी आ चुका हूँ। तो सबसे पहले जो है हम तो गए थे यहाँ से यमुनानगर सर की गाड़ी में, उसका व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। वहाँ से गए सीधा यमुनानगर, और वहाँ पे सीधा गए थे यमुनानगर में, MNL कॉलेज था, मुकुंद लाल कॉलेज। तो वहाँ पर जो है हमारी प्रैक्टिस वगैरह होती थी, वहाँ पर मुकुंद नाम की बहुत सारी चीज़ें थी, मुकुंद हॉस्पिटल, मुकुंद स्कूल, और भी मुकुंद नाम के बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को तो मुकुंद के बारे में इतना कुछ पता नहीं, बहुत मैंने चीज़ें देखी मुकुंद के बारे में। और अभी बस वहाँ से हम उधर प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम, और दिन में हम अपने रेस्ट करते थे, गुरुद्वारे में रहते थे हम, उधर हमको रूम दे दिए थे, टू रूम्स दे दिए थे कुछ, और बच्चे थे वो दूसरे रूम में सर के साथ, और हम जो अकेले ही रहते थे, साथ में ही रूम था, डरने वाली ऐसी कोई बात तो थी नहीं। और बस हमने कुछ जो है 4-5 दिन वहीं पर बिताए, रात को जाए, लेकिन खाना लेट मिलता था उधर 9 बजे, क्योंकि हम खेल के आते थे जल्दी 7 बजे के करीबन, तो हमको बहुत तेज भूख भी लग जाती थी, तो हम जो थोड़ा बहुत बाहर का खाना खा लेते थे, जूस वगैरह पी लेते थे, तो बढ़िया एकदम उधर खेल जाता था। तो बस जो है, और वहाँ से तो फिर हम गए सीधा, रात की 11 बजे ट्रेन थी हमारी, और फिर हम वहाँ से गए लखनऊ, फिर हम दिन में पहुँचे 12-1 बजे के आसपास, और वहाँ से जो है हमने सीधा अपने रूम में भी नहीं गए, वहीं पर हमने बाहर अपने बैग रखे मैस के सामने, मैस यानी कि वहाँ पे खाना हमारे लिए एकदम बढ़िया से उधर रखा होता है, वहाँ पे बस सर अपने एंट्री करवाते हैं, तो वहाँ से सीधा अपना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है हमको। मैं तेरा कैसा एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस रहा वहाँ ट्रक के ग्राउंड में खेल कर? बहुत बढ़िया, मैं तो पहली बार खेला, और मैं भी चाहती हूं कि मैं ट्रक वाले ग्राउंड में खेलता हूं। तो ट्रफ वाला ग्राउंड तो एकदम बढ़िया, एकदम मैट जैसा होता है, जैसे एक जैसे पायदान सा हो गया ना वैसा ही हो गया। और बस अभी घर को जा रहे हैं, वहाँ पर खेले थे बढ़िया एकदम, और हम जो है हम 2 दिन उधर तो वैसे ही रहे, हमने थोड़ी बहुत सुबह शाम प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद जो है हमारा थर्ड डे पर फर्स्ट मैच हुआ बिहार के साथ, तो उसमें भी जो है मैंने 3 गोल्स करे, और वो जो है 7-0 का स्कोर रहा, हम जीत गए थे। और आगे भी हमारे मैच हुए, लेकिन हम जो है एक सोनीपत की टीम से जो है हार चुके थे। चलो कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, फर्स्ट टूर्नामेंट था और कम से कम 20-25 टीम्स थी, और उनमें जो है हम फर्स्ट आए, फर्स्ट नहीं फिफ्थ, मैं तो फर्स्ट बता रहा हूँ अपने आपको, फिफ्थ कितनी बड़ी बात है मेरे लिए तो। चलो अब तो बस घर को जा रहे हैं, और वहाँ पर बहुत बढ़िया लगा, ये देखो इधर भी बढ़िया एकदम ग्रिल बना रखी है, चौकीदार का कमरा हो गया एक तो। और कोई बात नहीं, अब थोड़ा हमने सीखा भी कि वहाँ पर ऐसे ऐसे खेला जाता है, बॉल की स्पीड जो हमने देखी ट्रक पर, हमारी जो वैसे प्रैक्टिस होती थी वो तो ग्रासी पर ही होती थी, उधर जाकर भी ट्रफ पर जो है हमारा सिर्फ मैच ही लगता था, क्योंकि अब हमारे को इतना भी फिर भी ट्रफ के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी जो है हम 50 आए थे, और बहुत उधर बढ़िया भी लगा हमको, वहाँ पे पूरी अच्छे से हमारी केयर भी करी सर ने, तो थैंक यू सर। और चलते हैं सीधा घर पे, गन्ने का जूस पी के आपको सीधा घर पे ही मिलते हैं। गाइस आज के इस व्लॉग में तो इतना ही, तो बस अभी जो है हम त्रिवेणी पार्क से तो आ चुके हैं, एडिटिंग वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, फ़ोन में ही कर ली थी क्योंकि मैं बहुत थक चुका था ना, और आज सुबह भी कल रात को भी मैं इतना नहीं सोया था, तो वैसे भी मैं दिन में तो सो ही गया था, रेस्ट कर लिया था मैंने, और उसके लिए सॉरी कि जो हमारे व्लॉग हैं वो पूरे एकदम बढ़िया से रेगुलर नहीं आ पाए, क्योंकि
भाभी का थोड़ा बहुत व्लॉग फिर भी बना लेती थी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिलता था एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि भाभी का खुद आती नहीं है, पापा बिजी रहते हैं, तो उसके लिए तो जो है व्लॉग हमारे रेगुलर आ नहीं रहे थे। और तो मैंने आपको टूर्नामेंट के, मेरे टूर्नामेंट के बारे में बता ही दिया था, लखनऊ में हुआ था, बढ़िया बढ़िया एकदम। और तो बस अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।